राम राम मारी सगली सहेलियां, मारवाड़ी सहेली चैनल पर आपरो स्वागत है। सारा पटपड़ोलिया और नई नई जानकारी रे वास्ते आपने मारवाड़ी सहेली चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करियो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजो, ताकि आपानो साथ है वो हमेशा बनियो रहे। अब मैं आपने एकादशी व्रत री कहानी सुनाऊं। कहानी रे अनुसार एक राजा रे राज्य में सब लोग एकादशी रो व्रत राखता, प्रजा नौकर चाकर सुन ले और पशुआ ने भी एकादशी रे दिन अन्न को नहीं देता। एक दिन एक दूजा राज्य रो एक आदमी राजा ने आर बोले, हे महाराज, कृपा करो और मने नौकरी पर राख लो। जना राजा के ठीक है, राख ले, पर मारी एक शर्त है, रोजीना तने खाने वास्ते सब कुछ मिलेला, पर एकादशी रे दिन अन्न नहीं मिलेला। वो आदमी बीटेम तो हां भर ली, पर एकादशी रे दिन जद भी ने फलाहार रो सम्मान दियो तो वो राजा रे सामने जा और गिड़गिड़ाउन लागो। केवे लागो कि महाराज, इनू मारो पेट को नहीं भरे, मैं यहाँ तो भूख सुई मर जाऊंगा, मने तो अन्न दे दो। जना राजा भी ने बासर्त याद कराई, फिर भी वो अन्न छोड़ने वास्ते राजी नहीं हुयो। जना राजा भी ने आटो दाल चावल और सामान दे दियो, वो सामान ले और वो ताप को रोजीना तरह नदी पर जाए, नहाए धोए और भोजन पकाबा लागो। जब भोजन बन गो तो वो भगवान ने बुलावे लागो कि आओ भगवान, भोजन तैयार है, मेरे बुलाता ही पीताम्बर धारण करियोड़ा भगवान चतुर्भुज रूप में आएगा, आयर प्रेम सु मेरे साथे बैठ और भोजन करे लगा। जी मर भगवान तो अंतर ध्यान होगा और वो आपको काम पर चलियो गयो। 15 दिन पचे आगली एकादशी आई, जब वो राजा कने जायर केवे लगो कि महाराज, आज मने दुगुनो सम्मान दीजो, बी दिनी मैं तो भूखो ही रह गो। जना राजा पूछे कि क्या भूखो रेगो? जना वो बोलियो कि मारे साथे भगवान भी तो जिम्मे है, इताक सामानु मांडो नारो पेट कोनी भरे और सामान माने पूरो कोनी हुए। ओ सुनता ही तो राजा ने बड़ो ही आश्चर्य हुयो। राजा कह, इया थोड़ी हुए, मैं कोनी मानू ई बात ने कि भगवान थारे साथ जिम्मे, मैं तो इता व्रत करूं पूजा करूं, पर भगवान मने तो कदे दर्शन कोनी दिया और थारे साथ क्या जिम सके। राजा री बात सुन और वो आदमी बोले कि महाराज, अगर विश्वास नहीं हुए तो मारे साथे चालर देख लो। जना राजा 11 साल दिन मेरे साथे जाए और एक पेड़ रे लारे लुकर बैठ गा। वो आदमी नदी रे किनारे पर नहाए धोए और पचे भोजन बना लियो। भोजन बना और शाम तक भगवान ने बुला तो रियो, पर भगवान तो आया ही कोनी। कायो हु और पच बो केवे कि हे भगवान, अगर आप नहीं आया तो मैं इन नदी रे मायने कूद और मारा प्राण त्याग दूंगा। फेर भी भगवान तो कोनी आया। जनाबो नदी में कूद बताई नदी कानी जावे लागो, बिको प्राण त्यागनो दृढ़ इरादो जान और एकदम सु भगवान प्रगट हुआ। पूर भी ने रोक लियो, फेर भी रे साथे बैठ और भोजन जीम लियो। जीम जूट और भी ने भी आपरे साथे विमान रे मायने बिठाई और आपरे धाम में लेगा। ओ सब देख और राजा सोचे कि व्रत उपवासू कोई फायदो कोनी वे, जट तई मन शुद्ध नहीं हुए। इनु राजा ने दिव्य ज्ञान हुयो और वो आपरे मन वचन और क्रम सु व्रत और उपवास करे लगो। भगवान रे दर्शन सु राजा भी आपरे अंत समय रे मायने स्वर्ग में गियो। हे भगवान, कानी कहता सुनता हुंकारा बरता, सबरो मन शुद्ध कर और राजा की जिया सबरो अंत सुधार जो। कल और मिला ला अपा एक नई कहानी रे साथे, तब तक आपरो ध्यान राख जो। धन्यवाद।